आज हम बात करेंगे घरेलू काम वाले वाक्य यानी कि हाउस चोर्स रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में। घरेलू काम में आने वाले जो वाक्य है या फिर जो रोजाना हम घरेलू काम करते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है हाउस चोर्स रिलेटेड सेंटेंसेस, जो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। सबसे पहला है कपड़े धो। कपड़े धो यानी डू द लॉन्ड्री। डू द लॉन्ड्री, कपड़े धोने को इंग्लिश में कहा जाता है डू द लॉन्ड्री। नेक्स्ट इज कपड़ों को टांग दो। कपड़ों को टांगना या रस्सी पे सुखाने को कहेंगे हैंग द क्लोथ्स। हैंग द क्लोथ्स यानी कि कपड़ों को टांग दो। कपड़े घड़ी करो यानी फोल्ड क्लोथ्स। फोल्ड क्लोथ्स, घड़ी करना यानी फोल्ड करना, तो कपड़े घड़ी करने को इंग्लिश में कहेंगे फोल्ड क्लोथ्स। अगला है कपड़ों को इस्त्री करो मींस आयरन द क्लोथ्स। आयरन द क्लोथ्स, कपड़ों को इस्त्री करना यानी आयरन द क्लोथ्स। बाथरूम साफ करें जिसे कहेंगे क्लीन द बाथरूम। क्लीन द बाथरूम, बाथरूम साफ करने को इंग्लिश में कहा जाता है क्लीन द बाथरूम। बिस्तर बनाओ, बिस्तर बनाओ यानी मेक द बेड। मेक द बेड, बिस्तर यानी कि बेड, तो बिस्तर बनाने को इंग्लिश में कहा जाता है मेक द बेड। और चादर बदलने को हम इंग्लिश में कहेंगे चेंज द बेड शीट। चेंज द बेड शीट, चादर को इंग्लिश में कहते हैं बेडशीट, तो चादर बदल देने को इंग्लिश में कहेंगे चेंज द बेडशीट। चीज को समेट दो जिसे कहा जाता है सेट द टेबल। सेट द टेबल यानी कि मेज को समेट दो। फर्श पर पोछा लगा दो मींस मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना यानी मॉप करना, और फर्श को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लोर, तो फर्श पर पोछा लगा देने को इंग्लिश में कहेंगे मॉप द फ्लोर। फर्श की गंदगी साफ कर दो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूम द फ्लोर। वैक्यूम द फ्लोर यानी कि फर्श की गंदगी जो है वो साफ कर दो। दोपहर का खाना बनाओ जिसे कहा जाता है कुक लंच। कुक लंच, जब कभी हम दोपहर का खाना बनाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है कुक लंच, और यही अगर हम रात को खाना बनाएंगे तो उसे कहा जाता है कुक डिनर। अगला है बर्तन धोए जिसे कहेंगे डू द डिशेस। डू द डिशेस यानी कि बर्तन धोना। खिड़कियां साफ करें मींस क्लीन द विंडोज। क्लीन द विंडोज यानी खिड़कियां साफ करें। फर्श पर झाड़ू लगा दो जिसे कहा जाता है स्वीप द फ्लोर। स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगाना यानी स्वीप, तो फर्श पर झाड़ू लगा दो को हम इंग्लिश में कहेंगे स्वीप द फ्लोर। किराने की खरीदारी करो इसे कहेंगे डू द ग्रोसरी शॉपिंग। डू द ग्रोसरी शॉपिंग, किराने की खरीदारी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोसरी शॉपिंग, और किराने की खरीदारी करे को हम इंग्लिश में कहेंगे डू द ग्रोसरी शॉपिंग। पौधों को पानी दो जो हम रोजाना करते हैं और उसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉटर दी प्लांट्स। वॉटर दी प्लांट्स यानी कि पौधों को पानी दो या पानी डालो। आधा घंटा टहले जिसे कहा जाता है वॉक फॉर हाफ एन आवर। वॉक फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा यानी हाफ एन आवर, तो आधा घंटा टहले को हम इंग्लिश में कहेंगे वॉक फॉर हाफ एन आवर। कचरे को बाहर निकालो जिसे कहा जाता है टेक आउट द गार्बेज।
टेक आउट द गार्बेज, कचरा यानी गार्बेज, तो कचरे को बाहर निकालने को यानी कि घर से बाहर फेंकने को इंग्लिश में कहा जाता है टेक आउट द गार्बेज। नेक्स्ट इज घास काटो, घास काटो मीन्स कट द ग्रास, कट द ग्रास। जब हम हमारे आंगन की घास काटते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है कट द ग्रास। झाड़ की पत्तियों को बटोरो, जो झाड़ की पत्तियां गिरी हुई रहती है जिनको हम समेटते हैं या इकट्ठा करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेक द लीव्स, ब्रेक द लीव्स। झाड़ की पत्तियों को इंग्लिश में कहते हैं लीव्स और बटोरने को कहेंगे रेक। तो झाड़ की पत्तियों को बटोरना यानी रेक द लीव्स। फर्नीचर को झाड़ो, जब हम लकड़ी के सामानों के ऊपर से मिट्टी हटाते हैं, कपड़ों से उससे झटकते हैं तो उसे हम कहते हैं फर्नीचर को झाड़ो यानी कि डस्ट द फर्नीचर, डस्ट द फर्नीचर मीन्स फर्नीचर को झाड़ो। सेकेंड लास्ट है रसोई घर को साफ कर दो, जिसे कहेंगे क्लीन द किचन काउंटर, क्लीन द किचन काउंटर यानी कि रसोई घर को या फिर रसोई घर का जो हिस्सा है उसे साफ कर दो। और लास्ट है चाले साफ कर दो मीन्स क्लीन द कॉबवेब्स, क्लीन द कॉबवेब्स। कॉबवेब्स यानी मकड़ी के जाले, तो मकड़ी के जालों को इंग्लिश में कहते हैं कॉबवेब्स और जाले साफ कर दो को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लीन द कॉबवेब्स। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.